एक तरफ संसद एक तरफ ताबूत आरजेडी ने, तो आप उसको समझिए, उन्होंने संसद को ताबूत से कंपेयर क्यों किया बताऊं? क्यों किया? सबसे पहली तो उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, उनको वोट देने वालों की बेइज्जती की, क्योंकि उन्हें जो लोग वोट देते हैं वो भी उनसे ये तो अपेक्षा नहीं रखते कि संसद को ताबूत, वो मोदी जी का भी नहीं है, वो बीजेपी का भी नहीं है, वो योगी जी का भी नहीं है, वो अमित शाह का भी नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, वो राहुल गांधी का भी नहीं है, वो नीतीश कुमार का भी नहीं है, वो तेजस्वी यादव का भी नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का है, और 140 करोड़ जनता जिसके साथ है ना, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो नीतीश कुमार ने क्या किया, लाल किले पे तो कभी चढ़ के भाषण दे ना पाएंगे, तो इफ्तार पार्टी पे बैकग्राउंड में ही लाल किले का पोस्टर लगा दिया, तो इसी तरीके से वो संसद में जा ना पाएंगे, तो उन्हें संसद में, संसद का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में उन्हें विदिशा का वो मंदिर नज़र नहीं आता जो एमपी के विदिशा में स्थित है, हजारों साल पुराना मंदिर जो कहीं ना कहीं हमारे संसद भवन से मेल खाता है, लेकिन उन्हें नज़र क्या आता है ना, हिंदुत्व, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा आपने, जजमेंट, हिंदुत्व संस्कृति है, संस्कृति, तो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति पे जीने की बात करते हैं, वो धर्म ले आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनको संस्कृति और धर्म में समझ नहीं है, जिनको एक संस्कृति और धर्म में फर्क ना नजर आए भारत की, वो क्या भारत देश से विरोध करना है, विरोध का मतलब क्या होता है, विरोध टेक्निकल वर्ड है सर, आप किसी गलत चीज का विरोध कर रहे हैं या आपको केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं, इन्हें केवल विरोध करना है इसलिए, ये जो विरोधी पार्टी है ये भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी, आज संसद को ताबूत से कंपेयर कर दिया सर, भारत के लोकतंत्र की हत्या, हमें एक नई विरासत मिली जो मैं नहीं मेरे आने वाली पांच पीढ़ियां भी शायद उस पर गर्व करेगी, हम उस चीज़ का हिस्सा से जोड़ते हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए सर, अगर शिंगोल हिंदुत्व की बात है, निशानी है, भारत का नाम किस पे है, राजा भरत एक हिंदू राजा थे, भारत के नाम का विरोध कर देंगे ये कल, जब आप कोर्ट में न्याय मांगने जाते हो गवाही देते टाइम गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, तो क्या गीता हिंदुओं का धर्म है, हिंदू गीता को फॉलो करते हैं, हिंदुओं का ग्रंथ है, तो क्या ये कोर्ट के न्याय पे सवाल है? मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग सीतामढ़ी फास्ट न्यूज और कुमार शिवम मिश्रा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री एक तरफ जो है संसद भवन को देश के प्रति सपुर्द कर रहे हैं, वहीं पर जो है अनेकों सारे जो पार्टियां हैं वो विरोध करने में लगे हैं, ऐसे में हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हुए हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं इनसे जानना बेहद ज़रूरी होता है, स्वागत है सर। नमस्कार, जय श्री राम। क्या सोचते हैं जहां बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है वो हमारे जो संसद भवन है उसे जो है डब्बा से तुलना कर रहे हैं? पहली चीज़ तो आपके सवाल का जवाब देने के पहले आपके व्यूअर्स को सबको प्रणाम और बहुत बहुत बधाई कि आज भारत के संसद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी गई है, कहीं ना कहीं जिस राष्ट्र की स्थापना और जिस राष्ट्र की मांग पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को एक धर्म के नाम से तोला जाता है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये एक धर्म नहीं संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व हमारी संस्कृति है, धर्म बाद में है, संस्कृति पहले है। विरोध करने वालों की संख्या अधिक देखी जा रही है, वहीं पर समर्थन करने वालों की संख्या कम बताया जा रहा है, क्या हो सकता है इसका सर? आपने ये क्यों कहा कि विरोध करने वालों की संख्या, क्योंकि 19 पार्टियां मिलकर के विरोध कर रहे हैं एक साथ, 19 में से एक पार्टी तो ताबूत में है, ताबूत में है, उन्होंने आज ही तो ट्वीट किया है, हाँ, एक तरफ संसद एक तरफ ताबूत आरजेडी ने, तो आप उसको समझिए, उन्होंने संसद को ताबूत से कंपेयर क्यों किया बताऊं? क्यों किया? सबसे पहली तो उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, उनको वोट देने वालों की बेइज्जती की, क्योंकि उन्हें जो लोग वोट देते हैं वो भी उनसे ये तो अपेक्षा नहीं रखते कि संसद को ताबूत बताएं, लेकिन आप जो बोले कि संख्या बल ज़्यादा है, नहीं सर, पार्टी गिनने से संख्या बल नहीं होता, देश किन के साथ ज़्यादा है, संसद है जो उन विपक्षियों के बाप की बापोती ना है, संसद जो है ना वो भारत के 140 करोड़ जनता का है, वो मोदी जी का भी नहीं है, वो बीजेपी का भी नहीं है, वो योगी जी का भी नहीं है, वो अमित शाह का भी नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, वो राहुल गांधी का भी नहीं है, वो नीतीश कुमार का भी नहीं है, वो तेजस्वी यादव का भी नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का है, और 140 करोड़ जनता जिसके साथ है ना, समर्थन उसके साथ है, और उन्होंने जो ताबूत दिखाया ना, उन्होंने एक्चुअली अपना भविष्य दिखाया है, वर्तमान और भविष्य, क्योंकि संसद में वो अभी है नहीं, अब संसद में उनको सीट ना मिलेगी, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो नीतीश कुमार ने क्या किया, लाल किले पे तो कभी चढ़ के भाषण दे ना पाएंगे, तो इफ्तार पार्टी पे बैकग्राउंड में ही लाल किले का पोस्टर लगा दिया, तो इसी तरीके से वो संसद में जा ना पाएंगे, तो उन्हें संसद में, संसद का जो डिज़ाइन है
वो डिजाइन में उन्हें विदिशा का वो मंदिर नजर नहीं आता जो एमपी के विदिशा में स्थित है, हजारों साल पुराना मंदिर जो कहीं ना कहीं हमारे संसद भवन से मेल खाता है, लेकिन उन्हें नजर क्या आता है? ताबूत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी पार्टी ताबूत में ही बैठी है, क्योंकि उनके पास तो एक भी लोकसभा में वहीं पर जो बहुत सारे लोग हैं, वहीं जो विपक्षी के पार्टियां हैं वो इसे ताबूत से कंपेयर कर रहे हैं, वहीं पर जो समर्थक है वो लोग जो इसे शिवलिंग से कंपेयर कर रहे हैं। सर शिवलिंग से कंपेयर करना, सर वहां पे जब नंदी महाराज की स्थापना हो जाती है, राजदंड की स्थापना होती है शंगोल की, जो हम कहीं ना कहीं देखे जो महाकाल से महादेव से रिलेटेड है, तो उस जगह महादेव की स्थापना करना कहाँ गलत है? आखिरकार वो भी तो हिंदू के धर्म है ना। सर हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो संस्कृति है ना। हिंदुत्व सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा आपने, जजमेंट? हिंदुत्व संस्कृति है, संस्कृति तो हम संस्कृति पे बात करें तो हमारे देश में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आखिरकार क्यों ये नहीं? सर संस्कृति तो सभी धर्म अपनाते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संस्कृति क्या है? क्या वो किसी धर्म से मेल खाती है? एक बात बताइए, मेहंदी हम लगाते हैं शादियों में, मेहंदी के पहले आलता लगाया जाता था, ये देन किसकी है? हिंदुओं की। हम बात करते हैं ये हिंदुओं की देन है लेकिन संस्कृति बनी। आज हमारे मुस्लिम भाई भी तो मेहंदी लगाते हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कौन से देश का मुसलमान है जो ये लगाता है? मेहंदी नहीं लगाते, तो वो हिंदुत्व संस्कृति में नहीं जी रहे। सर ये संस्कृति है, इसे हिंदुत्व नहीं, इसे भारतीयता पे जोड़ी है, क्योंकि भारतीयता की आत्मा जो है, अगर आपको भारतीय बनना है तो भारतीयता की आत्मा हिंदुत्व की संस्कृति में है, और हिंदुत्व संस्कृति तो हर धर्म मानता है। जो धर्म हिंदुस्तान में मौजूद है वो सभी धर्म मानता है। सर जैन धर्म क्या हिंदुत्व संस्कृति नहीं मानता? क्या जब मेहंदी लगाई जाती है मुसलमानों में तो क्या वो हिंदुत्व संस्कृति की निशानी नहीं है? जब हम जैन धर्म बौद्धों की बात करते हैं, बौद्ध तो खुद सनातन धर्म को मानते हैं, एक शाखा ही तो है, तो सर इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत उन विरोधी पार्टियों के है जिनको ये लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ये साजिश है। सर जिनको ये लगता है, बात यह है कि उनको लगता क्यों है, उन्हें दिक्कत कहाँ है? तुष्टिकरण से। उनका वोट बैंक खत्म हो गया हिंदुओं का, अब जो मुस्लिम हैं और भी है वो भी समझने लगे हैं कि ये धर्म की नहीं, ये संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक विरासत है। आज राजदंड की जिसकी बात कर रहे हैं सर, वो तो चोला डायनेस्टी का है, चोल एम्पायर। उस टाइम पे भारत क्या, हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं क्योंकि उस टाइम पर भारत नहीं हुआ करता था, हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं, बहुत बड़ा हुआ करता था चोला साम्राज्य, तो उसमें कहाँ मुसलमान, कहाँ सिख, कहाँ क्या, वहाँ तो एक संस्कृति होती थी, सनातन संस्कृति। तो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति पे जीने की बात करते हैं, वो धर्म ले आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनको संस्कृति और धर्म में समझ नहीं है, जिनको एक संस्कृति और धर्म में फ़र्क ना नज़र आए भारत की, वो क्या भारत देश चलाएंगे? जिसको भारत की संस्कृति समझ में ना आए वो भारत देश नहीं चला सकते सर, नहीं चला सकते। क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठते हैं, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले उस पादरी से मिलते हैं जो ये बोलते हैं भारत माता पर मैं नंगे पैर ना रखता क्योंकि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, भारत माता इतनी गंदी है। एक बात बताइए, क्या ये सांस्कृतिक विरासत है? क्या भारत माता हिंदुओं से जुड़ी हुई है? हम भारत माता की जब बात करते तो क्या हिंदुओं की बात करते हैं? तो फिर एक बात बताइए, कहाँ से धर्म? भारत माता तो सबके लिए माता है, जो लोग पूरे इंडिया में रहते हैं उन तो सबों का माँ है। हाँ, फिर भी ऐसा क्यों? तो सर तुष्टिकरण मुसलमानों को पिछड़ा रखना, उनको जाहिल बना के रखना कांग्रेस ने और विरोधियों ने किया है। अच्छा हकीकत तो यही है ना। आज एक बात बताइए, इफ्तार पार्टी के लिए उन सबके पास टाइम होता है, विरोध करिए कोई दिक्कत नहीं है, विरोध करना है। विरोध का मतलब क्या होता है? विरोध टेक्निकल वर्ड है सर, आप किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं या आपको केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं? इन्हें केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। संसद भवन तो इनका भी है क्या? ये अब मोदी ने संसद बनाया है ये बोल रहे हैं, जो मोदी जी का संसद, मोदी जी ने संसद भवन बनाया, लेकिन लोगों के पैसों से बनाया, भारत के पैसों से, लोग तो और भारत के लोगों को आज समर्पित कर दिया। हाँ। उन्होंने तो सेवा का काम किया, उन्होंने अपनी देखरेख में बनवाने का काम किया, उन्होंने बनवाया। आखिरकार लोकतंत्र, आखिरकार पुराने वाले संसद भवन में समस्या क्या आ रहा था जिसके बाद ये जरूरी हो गया बनाना? सर सबसे पहली समस्या जो है वैचारिक समस्या, जिससे ग्रसित भारत का हर नागरिक था, कॉलोनियलिज्म,
हम कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं, हमें हमारी राष्ट्रीयता में जीना है तो हमें कॉलोनियल पीरियड से बाहर निकलना होगा। और कॉलोनियल पीरियड से जब बाहर निकलने की बात आती है तो जो हर निशानी जो कॉलोनियल है उसे सहेज के रखना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भारत का इतिहास है, लेकिन उसे अपने सिर पे चढ़ा के रख लेना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी दिक्कत सर, 30 करोड़ लोगों के अनुसार जो संसद भवन बनाया गया, क्या वो 140 करोड़ लोगों की सेवा कर पाएगा? क्या वो सेवा सदन बन सकता है? हमें परिसीमन की ज़रूरत है, हमें आज परिसीमन की ज़रूरत है। हमें जितने सांसद हैं उन सांसदों की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे बहुत ज़्यादा दुगने सांसदों की ज़रूरत है कम से कम, लेकिन उन सांसदों को बैठाएंगे कहाँ? अब क्या बस चला रहे हैं लोकल जिसमें 45 सीटों पे भी 80 लोग घूम जाते हैं? क्या कांग्रेस ये भविष्य देना चाहती है भारत को? भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, भारत दुनिया की पांचवी इकोनॉमी और आने वाले समय में शायद पहली इकोनॉमी भी बन जाएगा। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो भारत के आगे सिर झुकाने को तैयार है और झुका रही है। तो जब भारत के आगे सिर झुका रही है तो उसको भारत को अपना प्रतिनिधित्व भी दिखाना पड़ेगा। हमें हमारी राष्ट्रीयता सिखाई जा रही है, उससे दिक्कत क्या है? हमें ब्रिटिशर्स से पीछे छुड़ा के हमें हमारी विरासत पर गर्व करना सिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत क्या है? आज जो राजदंड रखा गया है, शंगोल की हम बात करते हैं, वो निशानी तो दुनिया के डेमोक्रेसी की है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहलाते हैं? डेमोक्रेसी की जननी, माता नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र की जननी भारत को क्यों कहलाते हैं? ये आज क्यों नहीं बताती कांग्रेस और विरोधी पार्टियां आके? क्योंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है ये चोल साम्राज्य ने सिखाया। चोल साम्राज्य की देन डेमोक्रेसी। उस टाइम पे कौन सा अमेरिका, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा क्या, कुछ नहीं था सर। डेमोक्रेसी क्या होती है वो दुनिया को हमने दिया है, तो जब हमने दिया है तो हमें मंदिर बनाना पड़ेगा जहाँ पे डेमोक्रेसी शुरू हुई। हमें शंगोल जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की निशानी है, वो कोई राजा की निशानी नहीं, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारी विरासत की निशानी है। हमारी विरासत से जिसको विरोध है वो भारत में रह क्यों रहा है? ये भारत के लोकतंत्र, ये सारे लोग विपक्षी लोग बोलते रहते हैं भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं मानता हूँ हो रही है, मैं मोदी समर्थक हूँ लेकिन बोल रहा हूँ भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन ये पूरी बात नहीं बताते कि भारत में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो हम विरोधी करते हैं। ये जो विरोधी पार्टी है ये भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज संसद को ताबूत से कंपेयर कर दिया सर, भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। जो संसद गर्व की बात थी, आज दिवाली मननी है, आज लोग सब खुशी मना रहे हैं। मैं आपके व्यूवर्स को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र में हम कॉलोनियलिज्म से बाहर आई, आज हमें एक नई विरासत मिली जो मैं नहीं मेरे आने वाली 5 पीढ़ियाँ भी शायद उस पर गर्व करेगी। हम उस चीज़ का हिस्सा हैं सर, आप मैं और हमारे 140 करोड़ लोग, जो हम हमारे बच्चों को गर्व से बताएंगे हमने ये जिया है। हमारे माता पिता हम पे गर्व करते हैं कि हमने जो देखा कम से कम हमारे बच्चे उससे बहुत अच्छा देख रहे हैं, ये अपना भारत देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं। आज हमें खुशी है कि हम जो टैक्स के पैसे देते हैं उससे वो संसद बनी है, उसमें एक ईट शायद मेरे नाम की लगी हो, एक ईट आपके नाम की लगी हो। संसद भवन के नाम को बदलने के लेकर क्या विवाद छिड़ने वाला है, क्या लग रहा है सर? संसद भवन के नाम को अंबेडकर के नाम से जोड़ने को बोल रहा है कुछ लोग। सर भारत की संसद है, अंबेडकर भी भारत के हैं, वीर सावरकर भी भारत के हैं, नेहरू भी भारत के हैं, सुभाष चंद्र बोस भी भारत के हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत के हैं। अगर इनकी तुलना की जाएगी तो तुलना करने वाला सबसे बड़ा देशद्रोही होगा, सबसे बड़ा देशद्रोही तुलना करने वाला है। कल मैं एक डिबेट में था आर भारत की, मैं उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए थे और भी 2-3 विपक्षी पार्टियों के, उनमें से एक प्रवक्ता बोलते हैं वीर सावरकर की जयंती पे क्यों, वीर सावरकर की जयंती पे क्यों नहीं, उन्हें कॉलू का बेल बनाया गया, उन्होंने भी बलिदान दिया भारत की इसी आज़ादी के लिए, बलिदान दिया जिस आज़ादी के लिए। वीर सावरकर जी भी बीजेपी के समर्थक थे सर, बीजेपी तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई थी। वीर सावरकर राष्ट्रवाद के समर्थक थे, अच्छा। बीजेपी इसलिए आगे है क्योंकि राष्ट्रवाद की समर्थक है, और राष्ट्रवाद का मतलब राइट विंगर नहीं होता जो ये लोग गालियां देते रहते हैं। विरोधी पार्टी पार्टी तो वादा कर रही है सर, राष्ट्रवादिता का मतलब है हमारे राष्ट्र पे गर्व होना, राष्ट्र पे गर्व करना। अगर राष्ट्र पे गर्व करना कोई पार्टी सिखा रही है और अगर उस चीज़ का अगर ये पार्टियां विरोध कर रही है तो ये पार्टियां सबसे पहले देशद्रोही हैं। मैं अपने देश पे गर्व क्यों ना करूं?
आप अपने देश पे गर्व क्यों ना करें? हमने आज तक हमारे देश पे गर्व क्यों नहीं किया? सोचने की बात तो ये है, शेंगोल हमारी कितनी पुरानी विरासत थी, उसे एक नेहरू की चलने वाली छड़ी बना के उन्होंने छिपा दिया। ये इतिहास क्यों छिपाया गया? मैं आज सवाल उठाता हूँ, इन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार तो किताबों में पढ़ाई, एक लुटेरे की तलवार किताबों में पढ़ाई, लेकिन शेंगोल जो हमारे आज़ादी की विरासत थी, आज़ादी का प्रतिनिधित्व, हमारे आज़ादी का सबूत है, प्रतीकात्मक सबूत वो शेंगोल है। तो एक बात बताए, उसको छिपा के क्या इन्होंने पूरे भारत की जनता के साथ देशद्रोह नहीं किया, धोखा नहीं किया, अंधेरों में नहीं रखा? आज ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये शेंगोल को हिंदुत्व से जोड़ते हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए सर, अगर शेंगोल हिंदुत्व की बात है, निशानी, भारत का नाम किस पे है? राजा भरत, एक हिंदू राजा थे, भारत के नाम का विरोध कर देंगे ये? कल करेंगे जब आप कोर्ट में न्याय मांगने जाते हो, गवाही देते टाइम गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, तो क्या गीता हिंदुओं का धर्म है? हिंदू गीता को फॉलो करते हैं, हिंदुओं का ग्रंथ है, तो क्या ये कोर्ट के न्याय पे सवाल उठा देंगे? आप किस किस पे न्याय पे उठाओगे? सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से उठाया गया है, हिंदुत्व की निशानी है, उठा दो सत्यमेव जयते पे सवाल। अशोक स्तंभ, अशोका दी ग्रेट, सम्राट अशोक से के वहाँ की राजधानी से निकाला गया, वो एक बौद्ध राजा थे, सनातनी थे, उठा दो अशोक स्तंभ पे सवाल। ये किस पे सवाल उठाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुत्व को धर्म से नहीं, हिंदुत्व को संस्कृति से जोड़ा जाए। अशोक स्तंभ धर्म की निशानी नहीं, भारतीयता की निशानी है ना। तो एक बात बताइए, जब अशोक स्तंभ भारतीयता की निशानी है, गीता न्याय के लिए भारतीयता की निशानी है, भारत का नाम राजा भरत पे भारत की निशानी है, तो फिर शेंगोल भारतीयता की निशानी क्यों नहीं? इसका जवाब कांग्रेस दे, सारे विपक्षी दे। धन्यवाद, जय श्री राम। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में बताते हुए जाइएगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।